सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका एक और न्यू व्लॉग में स्वागत करते हैं हम आपका लोकी ट्यूब। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी डोमिनार के बारे में। तो टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि बाइक के पूरे 14,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और पूरा 1 ईयर हो चुका है। एग्जैक्टली मैंने लास्ट ईयर इसी टाइम पे और इसी दिन मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी ली थी। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेने के बाद 1 साल तक, और क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या मेरे को इसमें अच्छी बात लगी, क्या बुरी बात लगी, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं नीचे बाइक पे। यहाँ पर ये देखिए बाइक एकदम खड़ी हुई है अपनी जगह पर। पिछले कुछ महीनों से, कुछ महीने क्या 2 महीने हो चुके हैं, तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं। चालू होती है यानी यहाँ पर ये देखिए एकदम चालू हो चुकी है और पेट्रोल एकदम फुल है। लास्ट टाइम मैंने भरवा लिया था, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं। मोटर चल रही है तो आवाज़ पे थोड़ा ध्यान मत देना, आगे ऊबर आपको आराम से बैठ के बताएंगे इसके बारे में कैसी परफॉर्मेंस रही है इसकी अब तक। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देख सकते हैं अभी 14,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं मेरे ओडो। तो गाइस देख लिया आपने कि बाइक एकदम एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। बैटरी इशू कोई भी ऐसा इशू नहीं है, बाइक एकदम ओके और साउंड एकदम बढ़िया, और इंजन में कोई नॉकिंग वाली साउंड बिल्कुल भी नहीं है अभी तक 14,000 किलोमीटर चलने के बाद भी। और इसकी चौथी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, 4 सर्विस मेरी कंप्लीट हो चुकी है बाइक की, और मैंने इसकी AMC भी करा ली है। तो मेरे को कोई ऐसी खासा दिक्कत होने नहीं वाली आगे को लेकर, ना सर्विस चार्ज को लेकर। तो सर्विस ओके हो जाएगी, 30,000 किलोमीटर आराम से चला लूँगा मैं इसको AMC के थ्रू। तो 30 तो नहीं, 25,000। दिक्कत की बात करता हूँ, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई है इस बाइक को लेने के बाद पूरे 1 साल तक। तो स्टार्टिंग में मैं बाइक जब मैंने खरीदी तो मैं लद्दाख के लिए निकल गया था। तो लद्दाख में मेरे को एक प्रॉब्लम आई थी, इसका जो लेग गार्ड होता है उसका वो जो बोल्ट होता है वो ब्रेक हो गया था पहले एक साइड। तो मेरे को रास्ते में उस लेग गार्ड को निकलवाना पड़ा था, एक साइड का निकलवा के मैंने अपने बैग में रख लिया था और घर आ गया था। तो घर आ गया तो मैंने उसका बोल्ट बाहर निकलवाया, तो जैसे ही मैंने दूसरा बाहर निकलवाया तो दूसरा भी टूट गया था। तो फिर वो दूसरा भी निकलवाना पड़ा था टूटा हुआ बोल्ट। तो फिर मैंने लेग गार्ड को लगाया नहीं, वो मैंने अपने यानी घर पे रख दिया लेग गार्ड को, और सीधा चला गया मैं जाना के पास। और जाना का क्रैश गार्ड लगवाने के बाद कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम परफेक्ट चली। और क्रैश गार्ड मेरे काम आया, बहुत काम आया, अच्छा हुआ मैंने क्रैश गार्ड लगवा लिया टाइम से पहले, क्योंकि बाइक गिर चुकी है 2 बार बहुत बुरी तरीके से और बाइक में एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया। तो ये अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और मेरे को दिक्कत आई दूसरी, इसकी सील ब्रेक हुई है। सील बोले तो एग्जॉस्ट के जो एग्जॉस्ट को जो मेन बैंड पाइप होता है और उसको एग्जॉस्ट को जो जोड़ती है उसके बीच में एक सील होती है, उसको वो ब्रेक हुई थी चलते चलते। यानी हम हाईवे पे थे और काफ़ी यानी हाइपर राइड कर रहे थे और ड्रैग वगैरह रेस कर रहे थे, तो रास्ते में चलते चलते वो ब्रेक होगी और उसकी साउंड चेंज होगी बहुत ज़्यादा, यानी फट 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 आने लगी थी। सील गई,
ओए रुको रुको, देखिए बाइक में क्या हुआ, आवाज है। सील गई। सील चली गई। अरे सील होती है ना, सील पता नहीं कैसे निकल गई। देखो ये वाली। आवाज सुन रहे हो तुम? हाँ सील डलेगी शायद। हाँ आराम से चला था। हाँ नहीं लगा हुआ यहाँ पे नट बोल्ट है। बजाज का मैं भरोसा नहीं करता है। बजाज का भरोसा। सो गाइस ये देखिए साइलेंसर की सील निकल गई है, पता नहीं कैसे निकली है। अब मेरे को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा इसको। ये देखो तो वो तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं सर्विस सेंटर गया और शायद 200 रुपये लगे थे मेरे, यानी सर्विस चार्ज और सील 100 रुपये की थी। तो 200 रुपये चार्ज लिए थे उन्होंने, बाइक में सील लगा दी और उसके बाद नॉर्मल हो गई बाइक, साउंड एकदम ओके हो गई। फिर उसके बाद एक और बार क्या हुआ कि यानी विंटर स्पीति के लिए मैं निकला था जनवरी में, अभी की बात है जनवरी की। तो वहाँ से वापस आते टाइम राइड तो कम्प्लीट हो नहीं पाई थी, वापस आते टाइम मैंने यानी आवाज़ में अजीब सी साउंड आने लग गई थी। तो आते आते जैसे ही घर तक पहुंचा, आवाज़ की यानी साउंड एकदम फटने लग गई थी, फट 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 आवाज़ आने लगी। तो मैंने ध्यान से देखा आगे से इंजन से जो पाइप जा रहा है एग्जॉस्ट के लिए, वहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं और वो 2 बोल्ट लूज होकर गिर गए, निकल गए। तो गाइस देखिए अभी क्या हो रहा है बाइक में। निकल गए, गिर गए थे वाइब्रेशन की वजह से। बिकॉज यानी इसमें बाइक में वाइब्रेशन है, इंजन में वाइब्रेशन है और इतनी ज़्यादा नहीं है बट है। तो मैंने क्या गलती करी, हर सर्विस सेंटर पे मैंने एक भी बार इसके बोल्ट टाइट नहीं करवाए थे और ना सर्विस सेंटर वालों ने करे थे। उसके बाद मैं दोबारा सर्विस सेंटर गया तो वहाँ पर जाकर उन्होंने बोल्ट लगा दिया और बाइक एकदम ओके हो गई। तो उससे मेरे को सीखने को मिला कि इस बाइक में जब भी सर्विस कराओ आप हर 5,000 में, तो इसके नट बोल्ट जितने भी इंजन के बोल्ट वगैरह हैं वो सारे मेन मेन जहाँ जहाँ जॉइंट आता है उनको एक बार ही टाइट करवा लो तो बेस्ट। और क्या दिक्कत आई मेरे को इस बाइक में, हाँ ब्रेक इशू है। रियर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगता, यानी बहुत कम लगता है। लद्दाख में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जब मैं वापस आ रहा था पिछला ब्रेक काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अगले ब्रेक से मैंने काम यानी काम चलाया है और घर तक आया हूँ मैं। तो आगे के ब्रेक में अगर ABS यानी अगर इस बाइक में ABS ना होता तो मैं कई बार गिर भी जाता और मेरे को चोट भी लग जाती। तो ABS की वजह से मैं काफ़ी बार बचा भी हूँ, तो ABS बहुत बढ़िया काम करता है इसका। और रही बात, तो आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैंने इस बाइक को कितना खींचा है, इतना ज़्यादा हाइपर राइड करा, यानी बिल्कुल यानी एक्सट्रीम कंडीशन तक, एक्सट्रीम यानी एकदम एंड पॉइंट तक इसको खींचा है मैंने, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने इसकी टॉप स्पीड चेक करी थी जो 150 तक गई थी 5th गियर पर, और उसके बाद सेकेंड सर्विस के बाद भी मैंने इसको हाईवे पर खींचा है, ड्रैग रेस वगैरह ये सब करी है और खींचता ही रहा हूँ हमेशा। और लास्ट जो मेरी टॉप स्पीड रही है वो 177 गई है, 177 से ऊपर नहीं जा। वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए बिकॉज यानी बाइक की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है अगर आप बिल्कुल टॉप स्पीड पे चलते हो हर बाइक, यानी बाइक को खींचते हो एकदम और गंदी तरीके से चलाते हो, यानी हाईवे पर बिल्कुल हाइपर राइड करोगे
तो यानी इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से तो नॉर्मल स्पीड रखो इसको, मीडियम चलाओ, 100-110 पे बहुत अच्छी बाइक में माइलेज भी देगी और बढ़िया भी चलेगी। अगर तुम खींचोगे बाइक को, माइलेज भी कम निकलेगी और इंजन की लाइफ भी, यानी इंजन की बैंड बच जाती है अगर तुम हाइपर राइड करते हो, बहुत तेज चला। फिलहाल यानी मेरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बढ़िया गया है। मेरे को कोई भी यानी शिकायत नहीं है बजाज की बाइक से। क्वालिटी वाइज मेरे को तो नहीं लगता कि क्वालिटी में कोई इशू है। यार 2 लाख रुपए में आपको इतना सब कुछ दे रही है बजाज कंपनी, और क्या चाहिए आपको। वहीं पे अगर इसी सेगमेंट की बाइक ले लो, कावासाकी या फिर यामाहा या फिर ले लो केटीएम वगैरह, वो 3 लाख से ऊपर में ही जाती है। यामाहा की जाओगे R3 जो कि 4 लाख में आती है भाई, और सेम फीचर्स सेम है। फीचर में कोई वो नहीं है, बस ये है कि उनकी जो इंजन की क्वालिटी होती है वो बेटर होती है बजाज से। बजाज में वाइब्रेशन है बिकॉज़ ये केटीएम का इंजन ही लगा हुआ है डोमिनार में, केटीएम ड्यूक 390 से। तो ड्यूक 390 से तो फार बेटर डोमिनार है, वाइब्रेशन के मामले भी, टूरिंग के मामले भी, हर हर उसमें। बस वो यानी केटीएम में क्या होता है, लाइट वेट है तो उसे हैंडल करना इजी है डोमिनार के थ्रू, तो लाइट वेट की वजह से वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और उसमें TFT डिस्प्ले भी लगा हुआ आता है तो वो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन उस हिसाब से KTM अपने पैसे भी ले रहा है, तो हालांकि KTM को बजाज ही बना रहा है इंडिया में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया की ही कंपनी की बाइक चला रहे हो, बजाज वगैरह, तो आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला। आपको पार्ट्स प्रॉपर हर जगह मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अगर कावासाकी या यामा लेते हैं तो उनके पार्ट्स आने में ही 6-6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बाहर से ऑर्डर करके मंगवाने पड़ते हैं, तब जाके यानी आपको बाइक को छोड़ना पड़ेगा 2-3 महीने के लिए, तब जाके अगर कोई भी इशू में मेजर इशू आता है तो इंजन वगैरह में। तो ये चीज़ें होती हैं अगर आप कावासाकी जैपनीज बाइक पे शिफ्ट होते हैं, बट इंजन की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, ये फायदा है। कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, हर हर चीज़ का अपना अपना वो है पहलू, तो अपने हिसाब से उस पे जाइए। अगर आपको इंजन रिफाइनमेंट में ज़्यादा वो करना है या फिर आपको सर्विस अच्छी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, तो मेरा तो खैर बजट का इश्यू था, बट मेरा बजट भी इतना ही था और मेरे को उस सेगमेंट की बाइक भी चाहिए थी जो मेरे सारे वो पूरे करती हो, और डोमिनार उस पर खरी उतरी है पूरे 1 साल में, तो मेरा 14,000 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बहुत बढ़िया रहा। और गाइस इस बाइक में यानी इंजन में एक नोकिंग की नॉइज़ है जो काफ़ी सारी बाइकों में यानी कंप्लेन आई है, और काफ़ी बंदों ने इंजन में खुलवा दिया, नई बाइक का इंजन खुल गया है, खुल चुका है। इंजन की नॉइज़ सुनो, मैं वीडियो डालता हूँ। अभी मैं रेस करूँगा ना तो ज़्यादा समझेगा, कि ये वीडियो है जो इंजन में से नक 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 ऐसी आवाज जो आ रही है, और मेरी वाली बाइक का साउंड साउंड सुनिए। इसकी इंजन की साउंड देख लीजिए, कहीं से भी नॉकिंग की नॉइज तो आ नहीं रही है। तो मेरी वाली बाइक में तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो काफी सारी बाइकें हैं वो ज्यादा भी नहीं चली, और उन्होंने कुछ ऐसी बाइक तेज यानी हाई स्पीड वगैरह में भी नहीं चलाई, नॉर्मल राइड करने के बाद ही उन बाइकों में, यानी वो सब यानी जो भी था वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था जो भी था, तो वो सब तो वारंटी में सब ठीक हो सकता है, हो जाता है, वारंटी में क्लेम हो जाता है, लेकिन इंजन खुलने के बाद यानी बाइक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो ही जाती है। तो अच्छा है कि मेरी बाइक में तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, बल्कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा यानी यानी काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में टॉप स्पीड चेक करता था, ड्रैग रेस वगैरह हर एक कंडीशन में मैंने इसको चलाया है। इंजन मेरा के अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और होप करता हूँ कि आगे तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा अभी तक, तो फिलहाल 14,000 चलिए, और मेरे को आगे तक भी चलाना है इसको, और काफ़ी सारी लॉन्ग राइड्स करनी है इसके ऊपर ही करनी है। बाइक मैं चेंज करने नहीं वाला, अगले 2-3 साल तक तो इसी को यूज़ करूँगा। और रही बात गाइस क्वालिटी की, यानी इसका जो टैंक है वो 13 लीटर का है, टैंक के हिसाब से यानी टूरिंग वगैरह के हिसाब से 13 लीटर बहुत कम होता है, यानी मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम ये 300 किलोमीटर चल जाती है एक बारी टैंक फुल करने के बाद, अगर हम इसको ज़्यादा अगर हम नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं तो।
यानी 28 से 29 की एवरेज मेरे को आराम से मिल जाती है, तो एवरेज का तो कोई ऐसा खासा दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी एवरेज निकलती है डोमिनार की। तो और मैंने 35 की एवरेज भी निकाल ली है इस बाइक। क्वालिटी है इसका, जो टैंक है मेन, ऊपर जो कवर है वो प्लास्टिक का है, तो वो जो थोड़ा बहुत यानी डिसपॉइंट करता है, क्योंकि जो मेन टैंक है वो कम से कम मेटल होना चाहिए। और बाइक में वेट भी ज़्यादा है, बट मेरे को हैवी बाइक पसंद है और चलाने में मज़ा आता है हैवी बाइक को हाई स्पीड पे, यानी एकदम स्टेबल होके चलती है तो अलग ही फील आता है, यानी विंड ब्लास्ट लगता है। लेकिन अगर इसमें हम विंडशील्ड वगैरह लगा देते हैं, मैंने एक बार ही लगाई थी, वो टूट गई थी गिरने के बाद, तो लगाने के बाद मेरा विंड ब्लास्ट था काफ़ी हद तक कम हो चुका था, तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा लगवाऊँगा, लेकिन इस बार कार्बन रेसिंग वगैरह ही सिलेक्ट करूँगा, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है। और रही बात इनके टायरों की, सो गई बजाज में यानी कंपनी से ही फिटेड आते हैं MRF के टायर, तो MRF के टायर यानी कॉर्निंग वगैरह में थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि यानी डर लगता है कि कॉर्नर वगैरह में स्लिप होते हैं, और हो भी जाते हैं कई बार, यानी ऐसा लगता है स्लिप हो जाएंगे, लेकिन इसमें कॉर्निंग ABS भी नहीं है। MRF के टायर थोड़े बहुत दिक्कत करते हैं, और ये ऐसा नहीं है दिक्कत, यानी बहुत लंबे भी चलते हैं, 20,000 किलोमीटर आराम से निकाल देंगे तुम्हारे, और मेरे 14,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, और टायर एकदम यानी न्यू यानी उनके ग्रूव अभी तक यानी जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, बस बीच से थोड़ा घिस गए, क्योंकि टूरिंग वगैरह स्टेट हाईवे पे ज़्यादा चलता हूँ मैं, तो बीच वाला पार्ट जो है वो फ्लैट हो गया है, हल्का सा लग रहा है मेरे को, और साइड से रबड़ प्योर एकदम पहले जैसी है, बट अभी भी काफ़ी चल जाएगा वो, मुश्किल 8 से 10,000 किलोमीटर मैं चला दूंगा रियर टायर को, बाकी इतना नहीं चलाऊंगा, 20,000 रुपये मैं चेंज करा दूंगा टायर। और इस बार मैं सोच रहा हूँ अपोलो या फिर मिशलिन वगैरह के टायर लगवाऊंगा, तो उससे जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी इस बाइक। सो गाइस अब इसकी रिम की बात करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, जैसलमेर राइड पर मैं था, 120 से 130 की स्पीड पे चल रहा था, तो एकदम इंस्टेंटली एक स्पीड ब्रेकर आता है और मेरी बाइक उछल जाती है, और काफ़ी ऊपर तक उछलती है, और उसके बाद मैं यानी गिरते गिरते बचा ही हूँ, बट गिरा नहीं था, बस संभल गया था, बिकॉज बाइक का वेट ज़्यादा था, हैवी वेट की वजह से बाइक स्टेबल थी, इधर उधर बिखरी नहीं, तो हैवी वेट की वजह से बाइक संभल जाती है हाई स्पीड पे, यानी स्टेबल रहती है, दब के चलती है, तो एक प्लस पॉइंट हैवी वेट का ये हो गया। अगर हल्की बाइक होती है तो इधर उधर बैलेंस बिगड़ता है और बंदा गिर ही जाता है, और बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी मेरे को भी, तो मैं गिरा नहीं। और ऐसा ही मैं जब जैसलमेर से वापस दिल्ली की तरफ आ रहा था, तब रात के टाइम पे भी मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था, 100-110 की स्पीड में बाइक चल रही थी और एकदम से स्पीड ब्रेक कर आ जाता, मेरे को दिखता नहीं है, और मैं ऊपर उछलता हूँ एकदम, तो उस टाइम पे भी मैं बहुत बुरी तरह गिर सकता था, लेकिन बिकॉज बाइक हैवी थी इसलिए स्टेबल हो गई कूदने के बाद। तो बोलने का मतलब ये है कि इतनी स्पीड में जब स्पीड ब्रेकर से बाइक उछलती है, तो फ्रंट व्हील का जो रिम होता है उसके रिम बैंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिम एकदम ओके लगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे, आराम से मैं घर पे पहुंच गया था। जब सर्विस सेंटर में सर्विस कराने ले गया तो हल्का फुल्का अलॉय में यानी अलाइनमेंट बिगड़ गई थी हल्की फुल्की, तो वो अलाइनमेंट ठीक हो गई थी नॉर्मली बिना किसी खर्चे के। अगर बाइक होती KTM बाइक होती, KTM के जो रिम होते हैं काफ़ी बैंड होने की शिकायतें आती हैं कि रिम बैंड हो गया है, गड्ढे में जाने के बाद रिम टेढ़ा हो गया है, कुछ ऐसे बैंड होने की शिकायत आती है, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि डोमिनार के जो रिम है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और बाइक इतनी हैवी होने के बाद भी रिम एकदम सही रहा मेरा, तो बेस्ट है, बढ़िया है। वो उस टाइम पे मैं वो फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट काफ़ी बुरी तरह गिर सकता। सो गाइस लास्ट पॉइंट रह गया है, तो बाइक की जो हेडलाइट है यानी लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो एक साल हो गया मैंने काफ़ी राइड कर ली इस बाइक से, और रात में भी करी है काफ़ी ज़्यादा। जैसलमेर से हम दिल्ली आए थे तो पूरी रात भर हमने बाइक चलाई थी रात के टाइम पर, और इसकी हेडलैम्प LED लैम्प इतने अच्छे हैं कि इसमें कोई फॉग लैंप लगाने की मेरे को ज़रूरत पड़ी नहीं, काफ़ी अच्छा यानी ब्राइट लाइट है इसकी, और दूर से ही यानी काफ़ी अच्छी रोशनी लगती है LED की वजह से, तो इसमें मेरे को फॉग लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन फ्यूचर मैं लगवाऊंगा भी नहीं,
और ना मेरे को ज़रूरत है। हालांकि ये है कि इसकी लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं है, बट इनफ है, काफ़ी अच्छा दिखता है रात के टाइम पे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई चलाने में बिना उसके फॉग लैंप के। काफ़ी बंदे लगवा भी लेते हैं और बट मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर में लगवाते हैं। चलो सो गाइस, यही था जो मेन पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके ऊपर है, इस बाइक को आपको लेना चाहिए। अब तो BS6 आ चुका है और इसका प्राइस भी काफ़ी अप हो चुका है। मेरे को ये पड़ी थी 2,08,000 के आसपास में। मैंने 5 साल का इंश्योरेंस कराया था तो 5,000 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़े थे। तो अभी ये जो बाइक है वो 230 के आसपास है इन दिल्ली का रेट बता रहा हूँ, हर सिटी का अलग अलग रेट है। तो 230 है काफ़ी, यानी 15,000 से 20,000 रुपये इसका प्राइस अप हो चुका है। बट BS6 है तो प्राइस तो अप होना ही था। तो वर्थ है बाइक, ले सकते हो और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है। अगर आपको टूरिंग वगैरह ही करनी है या फिर सिटी राइड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है इसे चलाने में, क्योंकि हैवी बाइक है तो सिटी राइड के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बट टूरिंग के मामले में बेस्ट है, जा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो डोमिनार आपके लिए बेस्ट है। गाइस वीडियो क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और कोई भी क्वेश्चन हो बाइक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मेरा इंस्टाग्राम ID भी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है किसी को, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।